जितेंद्र तिवारी पर बयानबाजी बीजेपी नेता को महंगा पड़ रहा है। प्रदेश महासचिव सैंथन बासु के बाद अब प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को महंगी पड़ी बयानबाजी। आसनसोल के पूर्व मेयर सह पांडवेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी को लेकर मीडिया में बयानबाजी करना प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को महंगी पड़ी। उन्हें शो कॉज नोटिस प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के निर्देश पर थमाया गया। इसके बाद से राज्य की राजनीति में फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं इसके साथ ही भाजपा ने यह संकेत भी दे दिया कि भाजपा के दरवाजे जितेंद्र तिवारी के लिए अभी भी खुले हैं। उन्हें लेकर जो बयानबाजी नेताओं द्वारा की जा रही थी उससे पार्टी नेतृत्व सहमत नहीं है। भाजपा सूत्रों के अनुसार हो सकता है और भी अन्य नेताओं पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच ही केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत अन्य नेताओं ने आपत्ति जताई थी। इसी कड़ी में पहले सैंथन बासु को शोकॉस किया गया, अब प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल को शोकॉस किया गया है। जितेंद्र तिवारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आसनसोल के पूर्व मेयर सह पांडवेश्वर विधायक जितेंद्र तिवारी के टीएमसी में यू टर्न के बाद अभी भी उनकी भूमिका को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं इसी बीच इस बुधवार को कोलकाता रवाना हो गए, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं आसनसोल नगर निगम चेयरपर्सन तथा टीएमसी जिला अध्यक्ष पद के लिए शिल्पांचल के नेता कोलकाता का लगातार दौरा कर रहे हैं। अब जितेंद्र तिवारी के कोलकाता जाने के बाद क्या निकल कर सामने आता है यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जितेंद्र तिवारी ना ही आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में नज़र आ रहे हैं और ना ही पांडवेश्वर जा रहे हैं और ना ही पार्टी के गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं भाजपा ने प्रदेश महासचिव सैंथन बासु को शोक और थमा कर इन चर्चाओं को और बढ़ावा दिया है। आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन का ताज किसके सर सजेगा, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके लिए अमरनाथ चटर्जी, तापस बनर्जी, अशोक रुद्रो का नाम रेस में सुना जा रहा है। बुधवार को शहर में अफवाह फैली रही कि अमरनाथ चटर्जी चेयरपर्सन का दायित्व ले सकते हैं। इसके साथ ही टीएमसी का जिला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसमें सबसे आगे नाम हरेराम सिंह का सुना जा रहा है, साथ ही दुर्गापुर के अपूर्व मुखर्जी और नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती का भी नाम आगे किया गया है। चर्चा है कि हरेराम सिंह को टीएमसी का जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है या साथ ही दुर्गापुर के पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी या पांडेश्वर ब्लॉक तृणमूल के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को पार्टी जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जा सकता है।